जी ये शेषनाथ ने अपनी बीवी के लिए भेजा। हाँ वही है शेषनाथ के। धन्यवाद, जाइए जाइए। शर्मिली बहू तुम क्या कर रही हो? इस घर में जो भी आएगा उसे सबसे पहले हम देखें, चाहे वो चिट्ठी क्यों ना। प्रिया माधुरी, जे घर अब हमें घर कम जेल ज्यादा लगता है। ऐसे जेल खाने में हम नहीं रह सकते, इसलिए हम घर छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हारा प्रिय पति शेषनाथ। जैसे हुआ है। हाँ अजय जी, तुम एकदम सही कह रही हो, इसी कलपुए की वजह से सब हुआ है। बताओ, अपने घर में शांति से नहीं रह सकते। अगर तुम्हें मामा घर छोड़ करके चले गए। बस बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, चलो अब निकल यहाँ से, निकल। बंद करो अपना ये नाटक, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर कोई जाएगा तो वो आप है, अपने प्रिय पति देव के पास। हमने उन्हें अच्छी तरह से कह दिया था कि अगर इस घर में आए तो पैसे लेकर ही वापस आए, वरना ना आए। दिन भर करते क्या, खाली तो बैठे रहते, अब वहां पे भी क्या ही कर रहे होंगे। इसे जाइए, आप भी उनके पास ही जाइए, चलिए निकलिए। हाय भैया, यहाँ तो दाव उल्टा पड़ गया, इसके आगे चुप ही रहते हैं वरना सच्ची में निकाल देगी। चिंता ना कर, तेरा शेषनाथ तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वापस आ जाएगा। अरे अम्मा जी, रो रहे हैं कि भोपू बजा रहे हैं? नहीं है, भोपू बजा रहे हैं। जितना रोना है ना रो लीजिए, पर उसके बाद चुपचाप शांति से इस घर से बाहर निकल जाए। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने, तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने एक दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं। बेटा आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से। कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं?
देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलुका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं, ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।